आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं विनोद मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बैंकिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि JLG लोन होती क्या है और जो कंपनियां JLG लोन बांटती हैं, अगर कोई व्यक्ति उन कंपनियों में नौकरी करता है तो उसका करियर कैसा होता है। इन सब विषयों पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले JLG के बारे में हम जानते हैं कि JLG जो लोन है, JLG जो ग्रुप है, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब हम बातें करेंगे। इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, JLG जो लोन है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है वुमेंस के लिए, मतलब लेडीज़ के लिए। इस ग्रुप में ये ग्रुप ऑफ वुमेंस, मतलब ये हो गया कि ये महिलाओं का एक ग्रुप होता है। इसमें 4 से 10 महिलाएँ आपस में मिल के एक लोन लेती हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जो महिलाएं हैं वो एक गांव की होना चाहिए, जिस गांव में आस पड़ोस की महिलाओं को शामिल कर लेते हैं, और वो महिलाएं अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, कहना चाहिए कि एक छोटा मोटा व्यवसाय, कुछ बिजनेस करने के लिए इस लोन को लेती हैं। जैसे मान लीजिए किसी महिलाओं को भैंस खरीदना है तो भैंस खरीदने के लिए लोन ले सकती है, मुर्गी पालन करना है, या फिर मान लो कोई छोटा मोटा व्यवसाय खोलना है कि जिनसे वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें, छोटा सा धंधा पानी कर लें जिससे कि उनकी ज़िंदगी सुधर जाए। तो बेसिकली ये जो लोन दिया जाता है इसी काम के लिए दिया जाता है। कोई दूध का काम कर लिया किसी ने, कोई डेयरी का काम खोल लिया किसी ने, और किसी ने मान लो कोई और काम खोल लिया, जो जिसकी इच्छा होती है वैसा वो काम कर सकते हैं। तो JLG लोन बेसिकली इसी काम के लिए दिया जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो लोन दिया जाता है इसमें जो 4 से 10 महिलाएं हो सकती हैं, और उन महिलाओं की आपस में जिम्मेदारी होती है कि वो समय पर लोन को चुका दें। मान लीजिए किसी ग्रुप में 10 महिलाएं हैं, एक महिला मान लो लोन नहीं चुका पाती है, तो ये जिम्मेदारी बाकी 9 महिलाओं की रहेगी कि उस महिला जो कि लोन नहीं चुका पा रही है किसी कारणवश, तो उसकी भी लोन बाकी महिलाएं मिलकर चुकाएं। तो इसको बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन्स, JLG लोन। ये जो लोन है लगभग सभी कंपनियां बांट रही हैं। सभी कंपनियां का मतलब कहना चाहिए, इसमें बैंक भी शामिल है। बैंकिंग में भी देखा होगा आपने कि बहुत सारी बैंक JLG लोन बांट रही हैं। साथ ही साथ जो MFI कंपनी है, जो माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इस लोन को बांट रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग MFI फील्ड में, मतलब जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन्स का जो बिजनेस करती हैं कंपनियाँ, इस फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल ब्राइट है, क्योंकि ये जो फील्ड है बहुत ही बूमिंग है इंडिया के अंदर। आइए अब देखते हैं JLG के बारे में डिटेल में जानकारी। तो JLG लोन में जो लोन का अमाउंट होता है, इसमें जो लोन दिया जाता है वो 10 से लेकर 50 हज़ार रुपये का लोन दिया जाता है महिलाओं को। और ग्रुप साइज की बात करें, 4 से लेकर 10 मेंबर इस ग्रुप में हो सकते हैं। ड्यूरेशन 1 से 2 साल का इसमें समय होता है। ये जो लोन लिया जाता है 1 साल से 2 साल तक लिया जाता है, इसी बीच में आपको ये लोन चुकाना होता है। इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज की अगर हम बात करें तो 21 से लेकर 23% की इसमें ब्याज होती है। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो इसमें जो प्रोसेस फी लगता है वो 1% लगता है। फोरक्लोजर चार्ज वो भी 1% है। फोरक्लोजर चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर आप समय से पहले लोन को बंद कराना चाहते हैं तो आपको 1% चार्ज लगेगा और आप अपने लोन को बंद करा सकते हैं। एज की बात करें तो लगभग 18 से 60 साल तक कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक जानकारी लोन लेने के लिए कि JLG होता क्या है। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिहाफ से कि एक कंपनी जब लोन बांटती है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती है तब लोगों को लोन देती है। ऐसा नहीं कि कोई महिला पहुंच गई, उसको लोन, उसने बोला कि मुझे लोन दे दो, उसको तुरंत लोन दे दिया गया, ऐसा लोन नहीं मिलता है। एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है जो फॉलो करना होता है। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इस फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं या ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स MFI कंपनीज में JLG मॉडल में फॉलो किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि बैंक का कोई कर्मचारी या कोई कंपनी है जो JLG पर काम कर रही है, उसका कोई कर्मचारी है जो एम्प्लॉई है, वो फील्ड में निकलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय फील्ड में निकलेगा, फील्ड विजिट करता है। तो पहला स्टेप हो गया विलेज सर्वे। जैसे एम्प्लॉय निकलेगा
तो वो गांव में जाके गांव का सर्वे करता है। तो विलेज सर्वे किया, गांव में सर्वे करने के दौरान हम ये पता करते हैं कि गांव कैसा है। लोन देने से पहले ऐसा नहीं, हम किसी भी गांव में लोन दे देंगे। अब हो सकता है कि जो गांव है वो डिफॉल्टर गांव हो, ऐसा गांव कि जो लोन तो ले ले लेकिन चुकाना पसंद ना करता हो, गांव की रेपुटेशन ख़राब हो, डाकुओं का गांव हो एग्जाम्पल के लिए, या वो लोन देना नहीं चाहते हैं, बेकार गांव है, फर्जी गांव है। तो इस तरह से गांव का सर्वे किया जाता है, और अगर गांव अच्छा है तो ही हम उसमें लोन देते हैं, अदरवाइज लोन नहीं देते हैं। चलो यहाँ मान लीजिए आपका गांव का सर्वे हो गया, गांव ठीक ठाक निकल गया, तो अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन मीटिंग। फिर हम एक मीटिंग करते हैं गाँव में, तो मीटिंग के दौरान हम अपनी कंपनी के बारे में, लोन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, लोगों को वहाँ इकट्ठा किया जाता है। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सबको हम कंपनी के बारे में, लोन की स्कीम के बारे में फुल जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन मीटिंग। उसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं। तो जो लोग लोन लेना चाहते हैं तो गांव में उन लोगों के हम ग्रुप बना देते हैं कि भैया ये लोग लोन लेना चाहते हैं, इनका हमने ग्रुप बना दिया है। तो आपने क्या किया, वहाँ पर ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया। इसी दौरान उनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाते हैं, आधार कार्ड वगैरह हम देख लेते हैं कि सही व्यक्ति का आधार कार्ड है कि नहीं, उसके डॉक्यूमेंट है कि नहीं प्रॉपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक कर लिया हमने। तो ये हो गया हमारा ग्रुप का काम। एक बार जब ग्रुप बन जाता है उसके बाद कर्मचारियों का काम होता है कि वो करे CGT। CGT का मतलब होता है कंटिन्यूस ग्रुप ट्रेनिंग। तो जो ग्रुप के जो मेम्बर्स हैं उनकी हम कंटिन्यूस ग्रुप ट्रेनिंग करते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको ये बताते हैं कि ये जो लोन आप ले रहे हो 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 का, ये जो लोन है वो बिजनेस लोन है, इसको आप ऐसा ना हो कि खाने खर्चे के लिए इस्तेमाल कर लें या कपड़े वपड़े खरीद लें या शॉपिंग कर लें, इस काम के लिए लोन नहीं दिया जा रहा है। ये जो लोन है वो बिजनेस करने के लिए, मतलब धंधे पाने करने के लिए हम लोन को दे रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग में हम बताते हैं CGT के दौरान, कंटिन्यूस ग्रुप ट्रेनिंग के दौरान, और उनको नई नई स्कीम्स बताते हैं कि भाई जो आप रकम ले रहे हो इस रुपए का आप सही इस्तेमाल करें, कौन कौन से व्यवसाय आप कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे अच्छे बिजनेसेस के बारे में हम लोग बताते हैं, जैसे कि आप भैंस खरीद लीजिए, दूध का बिजनेस कर लीजिए, मुर्गी का मान लो काम करना है तो मुर्गी पालन कर लीजिए, या कोई छोटा मोटा जो भी व्यवसाय है, इस तरह से हम नई नई स्कीम्स उन लोगों को बता देते हैं। तो ये एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद होता है GRT। GRT का मतलब होता है ग्रुप रिकॉग्निशन टेस्ट। उसके बाद उस ग्रुप का एक टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट को सीनियर पीपल मतलब मैनेजर वगैरह लेते हैं, और वो ये देखते हैं कि जो हमने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप के लोगों को ये जो लोन में इंटरेस्ट है कि नहीं, बिजनेस करने में इंटरेस्ट है कि नहीं, और वो इस लोन का सही उपयोग करेंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ उसमें चेक किया जाता है कि ग्रुप अगर उसको सही लगता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजर ग्रुप को चेक करता है, ग्रुप अगर का टेस्ट लेता है और ग्रुप पास हो जाता है, मान लीजिए लगता है कि सभी लोग सही हैं, लोन को सही समय पर चुका देंगे, कोई फर्जी लोग नहीं है और लोन की स्कीम को सही तरह से समझ गए हैं, ये सारी चीज़ होने के बाद आपका ग्रुप बन जाता है, ग्रुप पास हो गया। ग्रुप पास होने के बाद हम बनाते हैं फिर सेंटर। तो सेंटर बनाते हैं। अब सेंटर इसलिए बनाते हैं कि गांव में एक जगह ऐसी डिसाइड कर लेते हैं कि जहां पर ये जो ग्रुप के लोग हैं वो महीने की जो मीटिंग हम करवाएं तो वहां पर सभी एक जगह पर मिल सकें, इसलिए वहां पर सेंटर बनाते हैं, और वहीं पर हम लोग फिर लोन का डिस्बर्समेंट कर देते हैं। तो लोन का जो है आप डिस्बर्समेंट कर दिया आपने, लोन का जब डिस्बर्समेंट हो जाता है लोगों को तो ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस GLG की हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये GLG का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो लोन डिस्बर्स होने के बाद फिर होता है जो हमारा कर्मचारी है वो समय समय पर जाके डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस महीने की इस तारीख में आपको जो लोन लिया है उसको आप इंस्टॉलमेंट के जरिए मतलब किस्तों के जरिए चुकाएंगे, तो सेंटर पर आके वो किस्त को वसूल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा GLG का काम होता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, GLG जो लोन है, GLG जो ग्रुप है कैसे बनता है, कैसे लोन दी जाती है, लोन क्या होती है, सभी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस तरह के और वीडियो मैं आपके सामने बनाता रहूँ।